अंबेडकर जो एक दलित समाज से पैदा हुआ। मैं कुछ दिन पूर्व ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक ज्ञानी व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने हुए जा रहे थे, तो ऐसे बातचीत चलती हुई थी, चर्चा होने के दरमियान वो बोले बी आर अम्बेडकर वो तो हरिजन की नेता है। तो मैं बोले हाँ बाबा अब बहुत ज्ञानी हो, पंडित हो, सात गुरु ग्रंथ बहुत ग्रंथ पढ़े हो, जो ये बी आर अम्बेडकर भी दलितों का नेता है, आप कितना तक पढ़े हैं? तो बोले क्यों आपको क्यों इतना अम्बेडकर के बारे में बोले? तो बोले मैं बोला अम्बेडकर का मैं सच्चा सेवक हूँ। तो बोले कैसे? बोले बी आर अम्बेडकर ने खाली दलितों का लिए ये बनाया था संविधान कि आप उसको नहीं मानते हो, आप 14 घंटा नौकरी करते हो, हम 8 घंटा नौकरी करते, ऐसा है क्या? है क्या? नहीं है। तो फिर वो हमारा नेता कैसे हुआ, आपका नहीं हुआ? तो लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में जानते नहीं है, गलत प्रचार करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बी आर अम्बेडकर दलितों का नेता। भाई समाज के अंदर में जो गंदगी थी, कचरा थी, उनको उन्हें उजागर किया कि भाई मनुष्य हम ही दो हाथ है, दो पैर है, हमारी शरीर में वही खून है जो आपके शरीर में है, तो इसमें छुआछूत क्या है, ऊंच नीच क्या है? ये समाज की गंदे लोग जो समाज के ठेकेदार है, समाज में कुसंस्कार फैलाने वाले लोग, ये जात धर्म बांटते हैं। हम तो दुनिया में जानते हैं कि जात दो ही जात है, एक पुरुष एक स्त्री है, तीसरी जात हम जानते नहीं, हम बाबा साहब से सीखे। तो ये समाज के ठेकेदार जो समाज चलाने के लिए इनको कुछ मिलता नहीं तो ये जात पात की बातें करते हैं। तो मेरे कहना चाहिए आज हम इस मंच पे हमारे कई विधायक भी यहाँ बैठे हैं, हमारे रेल के अधिकारीगण भी यहाँ बैठे हुए हैं, समानता की बात को हम हमेशा करते हैं, तो ये समानता आएगा कैसे? क्या ये अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष लाएगा कि आप सब लाएंगे? लाने के लिए जो बैठे हैं ये हमारे सामने बैठे हैं मंच पे, जिसके हाथ में कुछ ताकत है, पावर है, वो अगर सही यूटिलाइज करे तो ये देश में समानता आएगी। अब बताइए आप क्या करें, आपके हाथ में पावर नहीं, आप तो मेरे अंडर में काम करते, भाई हम जो ऑर्डर करेंगे वो आप करो। आज कुछ दिन पूर्व हमने इसी क्षेत्र में हमारे विधायक जी को भी मैं अवगत किया, हमारा रेलवे कर्मचारी अधिकारी लोग को भी अवगत किया, सर आज हम इस मंच के माध्यम से समानता की बातें करते हैं, सब धर्म लोग समान है और समाज में हर व्यक्ति को बराबर हिस्सा है, बराबर मर्यादा है, तो कहाँ है? तो हम देख के भी अनदेखा करते हैं, ये गुनहगार है, जहाँ गलत होता है वहाँ विरोध करना चाहिए, तभी ये समाज से ये भेदभाव बूझ नीच का दायरा खत्म होगा। यहाँ हमें मंच पे ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ अगर यही माइक लगा के 50-100 जुटा के भीड़ जुटा के बोले कि समानता ले आएंगे तो कदाई नहीं होगा। हम जहाँ बैठे हैं हम अपना अधिकार दायित्व तो कर्तव्य को समझे तभी समानता है। तो मैं 125वां जयंती में हमारे माननीय विधायक सुंदरानी से अनुरोध करूंगा कि सर आपका विधानसभा क्षेत्र है, हमारे अपर रेल मंडल रेल प्रबंधक के बोलेंगे सर ये रेलवे आपका है, हम लोग रेलवे कर्मचारी हैं, ये संस्था हमेशा रेलवे में ईमानदारी से मेहनत से कार्य किया है, उसका जीता जाता सबूत आपने देखा होगा, इस साल सबसे ज़्यादा लोडिंग टारगेट एक्टिव किया हमारा रायपुर मंडल, निश्चित है कि रायपुर मंडल में अनुसूचित जाति जनजाति हमारा 4,500 है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ सर कि ये रेलवे कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अपने कर्तव्य को भले भांति जानते हैं, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ बातें रहती हैं, छोटे मोटे घटना जो आपका तक नहीं पहुंचता है और वही अफसर उनको साथ में गलत इंटरप्रिटेशन करता है, जिस वजह से आज ये संस्था बना और इस संस्था का माध्यम से उसने अगर
वहां पर शिकायत करती है तो उसके ऊपर में भी बहुत सारी कार्रवाई होती है। तो मैं माननीय अपर मंडल रेल प्रबंधक को ये बताने चाहूंगा, सर आपने हमारी मंडल में आए हुए और आपकी कार्यक्रमा हमने हर जगह सुनी है कि आपने जहां गए अपना कुशलता का परिचय दिया, तो ये बाबा साहब का 125वां जयंती में इस मंडल में आपकी रहते हुए हम ये आशा करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारी संघ की परिवार के द्वारा परिवार को कुछ ऐसे अहित नहीं होगा और हमेशा उनको सहयोग मिलेगा, मैं ये आशा करता हूँ। और समय बहुत हो गया, मैं बोला था कि मेरे कम बोलेंगे, मेरे पता नहीं मेरी आवाज़ बैठा हुआ था लेकिन बोलने के बाद आवाज़ कैसे खुल गया, तो ये तो बड़ा विषम है। लेकिन बात है हमारी ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बाबा साहब का उद्देश्य और उनका चाहत हर जगह पे रायपुर से लेकर के ये जोन में जितनी जगह है प्राय 40-45 ब्रांच है, 3 डिवीजन है, बाबा साहब का कारवां को हमने जारी रखा है। जहां तक सवाल है आप लोग का शिकायत है कि इस प्रोग्राम को मैंने डिवीजन पे एक ही जगह करूं, तो मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि आने वाले सालों में डिवीजन में एक भव्य रूप से बाबा साहब की जयंती रायपुर मंडल में होगा, वो भी आप लोगों के गर्मी के आहास नहीं मिलेगा, ये जोन के अध्यक्ष का कहना है, हमारे सचिव महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इस गर्मी में करने का एक ही कारण है, जिस व्यक्ति इतना दुख तकलीफ सह करके हमारे लिए इस सब इतनी तक हमको ला के पहुँचाया, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग कितने तकलीफ सह सकते हैं। तकलीफ होने से क्या, बैठे गर्मी लग रहा है, कूलर का व्यवस्था नहीं था पहले तो हम लोग हैंड पंखा चलाते थे, कहीं हैंड पंखा नहीं है तो गमछा को ऐसे करते थे, लेकिन आजकल हम लोग हाई सोसाइटी के लोग हो गए, कूलर पंखा में रहने के आदि हो गए, तो आज बोलते हैं यार गर्म लग रहा है। तो ये बेचारे कितने सहे होंगे उनके बारे में तो हमारे पूर्व वक्ता ने बताया। तो चलिए इस पावन अवसर को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों के लिए ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं सकूंगा, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करने के लिए कोशिश किया हूं। खास करके हमारे नागपुर से मेरे बंधु मेसराम जी जो हमारे जोन का लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने इस संस्था को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोतीबाग नागपुर के सचिव और अध्यक्ष यहाँ आए हैं और हमारे नागपुर के और कार्यकर्ता दिए हैं, मैं रायपुर मंडल की ओर से उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भाई आपने इतनी भीषण गर्मी में, नागपुर में तो इसलिए गर्मी है, आपने यहाँ आया और भाई को गर्मी से साथ दिया, मैं इसलिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पुनः ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को बाबा का 125वां जयंती में मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे मैं आप लोगों का सेवा करते रहूंगा, आप लोग मुझे साथ दीजिए, मैं आपको काम दूंगा। जय भारत, जय भीम, जय जगदीश। धन्यवाद। आपने देखा ये जोशीला आवाज बिलासपुर जोन के जोनल अध्यक्ष श्री विशी मलिक जी का था।